नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है 4। इससे पहले 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में देखा है लिंक, या फिर आप वहां पर अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको कहां जाना है, जाना है www.paperhacker.in पर, ठीक है। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यह क्वेश्चन आने की संभावना कुछ ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हो जाता है, क्वेश्चन रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिएगा। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का यहां पर वर्णन आपको करना है, ठीक है। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, इनके कारण कौन कौन से थे, ये यहां पर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं अथवा में, या क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन देखने को इस प्रकार से मिल सकता है कि 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय जागरण के ऐतिहासिक कारणों का वर्णन कीजिएगा। वही बात हो रही है कि 19वीं शताब्दी में ही क्या हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन आए थे, क्या कह सकते हैं, उनके ऐतिहासिक जो कारण है, उनके कारण क्या क्या रहे जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, तो वे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, या अथवा आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म परिस्थितियों का परिमाण था, इसकी आपको व्याख्या करना है। कौन कौन सी परिस्थितियां रही जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, है ना, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, कौन कौन से कारण थे या कौन कौन सी परिस्थितियां थी, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट ही क्वेश्चन है इस प्रकार से, ठीक है। फर्स्ट ही क्वेश्चन है इस प्रकार का, क्योंकि उदय की बात हो रही, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय की बात हो रही, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना हो जाता है। तो इन कारणों को बहुत को आपका जो बीए है इसमें अगर हेडिंग आप डालोगे अच्छी प्रकार से, ठीक है, अगर हेडिंग अच्छी डाल दी आपने तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी तो वही बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जब कॉपी चेक होती ना थ्योरी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मगर उसके आधार पर थ्योरी फिर भी लिखनी पड़ती है, ठीक है, कुछ तो लिखनी पड़ेगी ना, तो थ्योरी आधार पर लिखनी पड़ती है। तो इसलिए आपको पहली बात हेडिंग पर ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है, और थ्योरी को अच्छी प्रकार से समझ लेना है कि हाँ थ्योरी ये थी, बस हेडिंग को पढ़ेंगे एग्जाम दे आएंगे फिर, ठीक है। तो बात करते हैं हेडिंग को बहुत अच्छी प्रकार से, मतलब थ्योरी को अच्छी प्रकार से देखिएगा और हेडिंग पर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हम एग्जाम में इन्हें बना सकते हैं। तो बात करते हैं, पहली बात हम सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, उसके बारे में थोड़ा यहां तक हम देखेंगे, ठीक है। हमने हेडिंग कौन सी डाली, पहली हेडिंग डाल दी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब उसके बारे में हम लिखेंगे आगे की ओर, ठीक है, थ्योरी। तो हमने उत्तर में यहां पर उत्तर लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने डाल दी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, यहां पर लिख दिया, उसके बाद यहां तो उत्तर ही लिखा हुआ, अब क्या करेंगे, अब इसके बारे में थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे, कि पहले हम बेसिक लिखते हैं ना, तो वही बात यहां पर कर दी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब उसकी बेसिक थ्योरी लिखेंगे, है ना। तो बात करते हैं 1857 में जिस स्वतंत्रता संग्राम को 10 मई 1857, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, है ना, वही बात हो रही है, स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था, देखो 1857 में जिस स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया था उसका प्रसार तेजी से हुआ, लेकिन उसका प्रसार तो कैसे हुआ था, तेजी से हुआ था, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं हुए, परिणाम जो थे वो आशा के अनुकूल नहीं। आपको पता है झांसी की रानी है, तात टोपे हैं, नाना साहिब हैं, है ना, इन सभी ने क्या हुए थे, अलग अलग जगह से इस क्रांति में भाग लिया था। बात करते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्रीयता की एक ज्योति, भारतीयों राष्ट्रीयता की एक ज्योति जो थी वो भारतीयों के मन में जगा दी, पहली क्रांति राष्ट्रीयता की, उसके बाद क्या हुई, कह सकते हैं ना, जब किसी को एक चीज की लत लग जाती है तो दोबारा कर सकता है, ठीक है। तो वही बात थी कि यहां पर आंदोलन चलाया गया तो भारतीयों को क्या हुआ, इनकी ज्योति जग गई भारतीयों के अंदर कि हम फिर भी फिर कभी भी आंदोलन चला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कैसा उनके मन में जगा दी। फिर देखा है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म एकाएक किसी एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं थी, एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं थी, उसको बहुत समय लगे। बात करते हैं 1857 का विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे क्या थे, अनेक ऐतिहासिक कारण रहे हैं, अनेक जो हैं वो ऐतिहासिक कारण रहे हैं, उन्हीं के बारे में आगे देखेंगे। रखा है यहां हम राष्ट्रीय आंदोलन के उन्हीं ऐतिहासिक कारणों का वर्णन करेंगे, है ना भाई, मैंने कहा उन्हीं के बारे में हम नीचे देखने वाले हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, हमने हेडिंग कौन सी डाली भाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई कारण थे जो निम्नलिखित हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण निम्नलिखित हैं,
जिनकी व्याख्या नीचे की गई है, बस इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, हाइडिंग बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण। ठीक है, आप देखेंगे कौन कौन से कारण हैं, आपको 5 से 6 कारण याद होने चाहिए। वैसे तो यहाँ पे 8 से 10 लिखे हैं, आपको सिर्फ 5 से 6 ही कारण लिखना है। ठीक है, जितना हो सके लिख सकते हो वैसे, तो ज्यादा तो लिख सकते होंगे, 5 या 6 से कम नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला जो कारण हो जाता है, पहला कारण होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का पहला कारण कौन सा था, ये आप देख सकते हो। पैद रखा एक व्यवसायिक संस्थान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, क्योंकि 1600 ईस्वी में क्या हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, है ना। वही बात कह रहा है कि एक व्यवसायिक संस्थान के रूप में ये यहाँ पर व्यवसायिक रूप में आए थे। ठीक है, मगर यहीं का माल शोषण करके कम मूल्यों में खरीद कर उन्हीं लोगों को ज्यादा मूल्य में बेचते थे। ठीक है, तो एक व्यवसायिक संस्थान के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये भी एक कारण था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो लोग थे वो यहाँ का शोषण करते थे किसानों का, यहाँ के मतलब कह सकते हैं यहाँ के लोगों का, और क्या करते थे, कम पैसों में उनका जो कच्चा माल खरीदते थे और ज्यादा पैसों में वह सेल करते थे, तो यह भी एक कारण बना जिसको हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं 19वीं शताब्दी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था। 19वीं जब शताब्दी आई थी तब देखा है भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था, उसे पता चल गई थी कि हाँ अब भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर देखा है यूरोप के देशों में भारत के बारे में सोचा, यूरोप के देशों ने भारत के बारे में सोचा जाता था, यूरोप के जो देश थे उनमें भारत के बारे में सोचा जाता था कि वहां पर हो क्या रहा है। फिर बात करते हैं यह भारत एक ऐसा अथाह गड्ढा है, कैसा है, एक अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का सर्वाधिक सोना और चांदी चारों ओर से अनेक भागों से आकर जमा होता है, जिसमें क्या होता है, चारों ओर से सोना और चांदी यहां पर जमा होता है। त्रिके और इससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता। जो लोग यहां पर आते हैं, कहते हैं सोने की चिड़िया कहते थे, है ना, तो वही बात यहां पर हो रही है, अंग्रेज लूट लूट कर सभी ले गए। फिर बात करते हैं ऐसी दशा में यूरोप के विभिन्न देश भारत से व्यापार करने का लालित क्या करते थे, लालित होते हुए, क्योंकि यहां पर जो था कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में था। ठीक है, और विदेश जाके अपने यहां पर वो दुगने मालों में बेचते, दुगने पैसों में बेचते थे वहां पर। ठीक है, तो वही बात, इसीलिए यहां पर जो लोग थे क्या करते थे, बहुत ही लालित होते थे और यहां से कम पैसों में खरीद कर अपने यहां पर ज्यादा पैसों में बेचते थे। पुर्तगाल भारत से व्यापार करने वाला पहला यूरोपियन था। आपको पता है सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल। ठीक है, उसके बाद डच, फिर फ्रांसिस, फिर आए थे ब्रिटिश। बात करते हैं भारत की बढ़ती हुई समृद्धि की चर्चाओं से प्रभावित होकर इंग्लैंड के व्यापारियों ने भी इस ओर कदम बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड वालों ने भी इस ओर कदम बढ़ाया। ठीक है, तो आप जानते हो इन्होंने हमारे देश पर बहुत ही सालों तक कह सकते हैं शोषण किया, अधिकार किया। पर देखा लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में एक कंपनी की स्थापना की। 1599 में ब्रिटिश वालों ने कंपनी की स्थापना की, जिसमें 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की एक रानी थी, कौन थी एलिजाबेथ थी, ने अंग्रेज व्यापारियों की इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करा दिया। किसने कराया था भाई, वो कराया था एनी रानी एलिजाबेथ ने। उस समय यहाँ का बादशाह कौन था, तो वह था जहांगीर। कौन था, जहांगीर था उस समय यहाँ का बादशाह। ठीक है, जहांगीर, तो जहांगीर ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कह दिया कि यहाँ पे यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। तो कह रहे हैं 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की रानी एलिजाबेथ ने अंग्रेज व्यापारियों की इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। फिर देखा है इस संस्था के नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। जो ये संस्था थी इसका नाम क्या रखा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। आपसे पूछेगा एमसीक्यू बन सकता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय यहां का बादशाह कौन था, तो याद रखना है भाई कौन था, जहांगीर। ठीक है, बात करते हैं ईस्ट इंडिया, दिल्ली का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी तेजी के साथ प्रगति की, क्योंकि यहां से कच्चा माल कम पैसों में खरीदते थे अपने देशों में, ज्यादा पैसों में बेचते थे। फिर देखा इसने 17वीं शताब्दी के अंत तक समुद्र तट के प्रमुख बंदरगाहों को
प्राप्त कर लिया था, जितने बंदरगाह थे उन्हें प्राप्त कर लिया था, सूरत, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। कहां कहां देखो, सूरत में सबसे पहले 1907 में लगाई थी, उसके बाद 1807 में, सॉरी 1807 में लगाई थी ना, 1600 में, 1807 में लगाई थी, सुनाई नहीं 1800 नहीं 1607 में करीब लगाई थी सूरत, 1607 में लगाई थी, 1607 है ना, 1607 में सूरत में लगाई थी। उसके बाद मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां स्थापित की कर ली। फिर देखा, इस संस्थानों से वे देश के अन्य भागों के साथ सुविधापूर्वक व्यापार करने लगे। जब उन्हें भाई बंदरगाह मिल गए तो यहां से डायरेक्टली जहाज पे लादा और अपने यहां पर पहुंचा दिया। फिर देखा है, ब्रिटिश कंपनी की डच तथा पुर्तगालियों के व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा ब्रिटिश वालों के लिए। ठीक है, बात करते हैं, करना पड़ा, ऊपर करते हैं, थोड़ा सा यहां पर दिख नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं, करना पड़ा। भारत में अपने प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसिस कंपनियों ने व्यापारियों में संघर्ष भी हुए, बहुत सारे संघर्ष भी हुए अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है, इन कंपनियों में। अंत में विजय अंग्रेजों की ही हुई, अंत में विजय किसकी हुई भाई, अंग्रेजों की ही हुई। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भारत में जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, एक तो यहां पर यह कारण हो जाता है क्योंकि यहां से शोषण करते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और अपने देश में जाकर उसे अच्छे दामों में बेचते थे। ठीक है, अब देखो आगे की ओर। सेकंड जो हमारा कारण था, सेकंड कारण कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है राजनीति सत्ता की स्थापना। राजनीति सत्ता की स्थापना भी यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे भारतीय राष्ट्र उदय के कारण। ठीक है, बात करते हैं राजनीतिक सत्ता की स्थापना के बारे में। तो रखा है सन 1755 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, मिलते रहे, ठीक है, इस प्रकार से उनकी सुविधा स्थापित होती रही। देखा है सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देश में केंद्रीय नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका था। देखा है तुम्हारा, सामंत तथा सरदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में शासन सूत्र संभाल लिया था। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्याप्त स्थिति का पूरा लाभ उठाया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और कदम लिया। ठीक है, कदम उठाया, ये यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है एक प्रकार से बिल्कुल इजीली कि राजनीतिक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राज्य थे अपने अपने बट गए, उसके बाद उन्हें बहुत ही आराम से ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी क्षेत्रों में फैला दिया। ठीक है, यही दे रखा है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत व्याप्त स्थिति का पूरा लाभ उठाया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की ओर कदम उठा लिया, यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि तितर बितर होगी फिर तो, है ना, ये लोग, और उन्होंने इसका लाभ उठाया। अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर, थर्ड कौन सा हो जाता है हमारा साथ, ये हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप लिख ही सकते हो आराम से। बात करते हैं थर्ड हमारी जो हेडिंग जाती है, कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण। कंपनी पर देखो, कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, बात करते हैं, जब सन 1765 में ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए, किसके दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए, तो ब्रिटिश संसद ने बंगाल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। कहां पर, अब बंगाल की ओर बढ़ रहे हैं, कह रहा है ब्रिटिश संसद ने बंगाल में दिलचस्पी लेना फिर शुरू कर दिया। भारत की तेजी से बढ़ती हुई स्थिति, बिगड़ती हुई स्थिति, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लूट खसोट, भ्रष्टाचार,
अनाचार धन संग्रह की, अपार लालसा ने ब्रिटिश सरकार को विवश किया कि ब्रिटिश शासन की स्थापना करे। किसकी करे? ब्रिटिश शासन की स्थापना करे। अगर ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं होगी तो हम जो लूट पूट कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्हें कहा कि ब्रिटिश शासन की स्थापना करें भाई हम लोग। फिर देखा इस प्रकार सन 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया। क्या किया? फिर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया। फिर देखें अंग्रेज भारत के जिस राज तथा नगर आदि पर कब्जा करते थे वहां से सारी वस्तुएं लूट कर ले जाते और इंग्लैंड को भेज देते थे। कब? क्योंकि उन्होंने यहां पर ब्रिटिश शासन की स्थापना कर ली, अब तो वह कुछ भी यहां पर कर सकते हैं। फिर देखा है कि यहां पर इंग्लैंड को भेज देते और इन लुटेरों ने भारत को खोखला कर दिया था मुगलों तथा अन्य विदेशी लुटेरों से। भारत को इतनी हानि नहीं पहुंची थी जितनी इन अंग्रेजों के लुटेरों से पहुंची थी, है ना। तो बिल्कुल आराम से है, इजी है, आराम से लिख सकते हो इसके लिए, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की ओर। थर्ड वाला हमारा कार्ड हो गया अच्छी प्रकाश में देख लिया कि कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो हमने देखा है लुटेरों से। फिर देखा है इस सभी कार्यों के परामर्श भारतीय कार्यक्रमों में कंपनी तथा अंग्रेजों की सत्ता के प्रति असंतोष के कारण एक व्यापक आंदोलन छिड़ गया जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो इसी प्रकार से छिड़ा था, है ना, ये आराम से लिख सकते हो आप। अब देखते हैं चौथा कार्ड कौन सा था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद कौन सा आया आंदोलन छिड़ेगा फिर? तो आंदोलन कौन सा छिड़ा? 10 मई 1857 जो पूरे भारत में छिड़ा था। तो बात करते हैं यहां पर 10 मई 1857 को मेरठ से स्वतंत्रता संग्राम चला, कौन सा था? सन 1857 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ से का संग्राम अनेक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक सैनिक कार्यों का परिणाम था जिसमें राजनीतिक कार्य सबसे अधिक प्रमुख था। राजनीतिक कार्य जो था वो सबसे प्रमुख था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अनेक शासन काल में, ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने शासन काल में कंपनी के भारतीय क्षेत्र में विस्तार के सभी, क्या है यहां पर, संभव प्रयास, ठीक है, संभव प्रयास किए गए थे। यहां पर थोड़ा सा देखने थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं लॉर्ड, यहां पर पढ़ते ना, बिल्कुल। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने शासन काल में कंपनी के भारतीय क्षेत्र में विस्तार के सभी संभव प्रयास किए गए थे कि वह बहुत सारा विस्तार कर सके। मैं देखा उसकी हड़प नीति से, उसकी हड़प नीति ने छतारा, जैनपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और ये क्या है भाई, जहां पर जूना, सॉरी, कोई है यहां पर, नागपुर, ठीक है, नागपुर रियासतों की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर देखो निर्लज्जता और धूर्तता का परिचय दिया। इन सभी को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। फिर रखा है मिला लिया था 1856, कौन सी? वही हड़प नीति थी। कौन सी? हड़प नीति वाली की बात कर रहा है। उसमें क्या थी? अगर आपका बेटा नहीं है राजा का अगर बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर लेंगे, अपना वो हड़प लेते हैं, ठीक है। हड़प नीति थी, आपने पढ़ा होगा। तो बात करते हैं 1856 हड़प नीति उसे कहते हैं जैसे कि राजा का अगर बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं हुई, ठीक है, तो वो जो राज्य होगा वो किसके अधीन होगा? ब्रिटिश के अधीन होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जो थे नागपुर आदि रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर निर्लज्जता और धूर्तता का परिचय दिया। फिर 1856 में अवध के राज्यों को भी कुप्रबद्ध, किसके? कुप्रबद्ध मतलब उसे धमका कर कुछ भी करके कुप्रबद्ध करके बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। फिर देखा इसी सब बातों का भारतीय जनता पर सीधा प्रभाव पड़ा, जैसा कि मिस्टर लडली ने लिखा है, ठीक है, जैसे कि मिस्टर लडली ने लिखा है कि निश्चय ही भारत में कोई ऐसी स्त्री बच्चा या नहीं था जो कि हमारे इस
बिलनीकरण के कारण हमारा शत्रु ना हो, ठीक है, तो ये यहां पर हो जाता है। ये चाहे आप नहीं लिखोगे यहां पर लिडली के अनुसार तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, यहां तक भी आपका चल जाएगा, यहां तक मत लिखो, ठीक है, ये आपको दिक्कत करेगा तो यहां तक लिख दो सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो नेक्स्ट हो जाता है अपना, यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करते हैं, इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, जो भारतीय शासक थे, जो वहां के राजा थे, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और लॉर्ड डलहौजी ने मुगल सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया। जो मुगल सम्राट होते थे उनकी समाधि, उसकी जो उपाधि थी उसको समाप्त कर दिया। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, का निश्चय किया। उसके पश्चात बाजीराव, जो बाजीराव थे द्वितीय के दत्तक पुत्र, जो नाना साहब थे, तो नाना साहब के साथ भी अन्याय किया गया, उन्हें सम्राट की उपाधि थी वह हटा दी गई, ठीक है। बात करते हैं, इसी प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक व्यवहारों तथा रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप किया, जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, उनमें भी हस्तक्षेप किया। इस कारण साधारण भारतीय आंदोलन की ओर बढ़ते चले गए, जो भारतीय थे वो आंदोलन की ओर बढ़ते चले गए। फिर देखा है, भारतीयों के असंतोष के कारण आर्थिक भी था, आर्थिक मतलब पैसा, पैसा की तंगी हो गई थी, क्योंकि लूटपाट कर रहे थे। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसीलिए इंग्लैंड को भारतीय कच्चे माल तथा कारखानों में बने माल को बेचने के लिए भारतीय मंडियों की आवश्यकता थी, क्योंकि कच्चा माल जो बन रहा था उसे कहां बेचते? भारतीयों की मंडियों में। इन दिनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, क्योंकि अपना धंधा चलाने के लिए क्या किया, जो भारत के उद्योग धंधे थे जो वो बेचते थे मंडियों में, उसको खत्म करके नेहरू जी कहते हैं यहां पर नेहरू जी के शब्दों में एक के बाद एक ग्रामीण उद्योग नष्ट होता गया और भारत ब्रिटिश का एक आर्थिक उपकरण बन गया। इन्होंने कहा है, ये नेहरू जी ने कहा है कि एक के बाद एक जो भारतीय उद्योग था वो नष्ट होता चला गया तथा भारत ब्रिटिश का एक आर्थिक उपकरण बन गया, कि भाई वही तुमसे लेंगे और वही तुम्हें दिखने में देंगे, ठीक है, दुगने तिगने में देंगे। फिर रखा है, इस कारण भारत का धन बराबर इंग्लैंड जाने लगा और भारत अत्यंत निर्धन होता गया, है ना, बहुत आराम से लिख सकते हो, सारा की तरह एक बार पढ़ लोगे तो लिख सकते हो आराम से, ठीक है, निर्धन होता चला गया। वहां तक देखते हैं, वहां तो देख लिया, अब देखते हैं। फिर दे रखा है, कंपनी की सेना में भारतीयों की संख्या अंग्रेजों से कम थी। आपको पता है जो भारतीयों की संख्या थी वो कंपनी में बहुत कम थी, अंग्रेजों के बराबर देखा है, परंतु भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में कम भत्ता मिलता था, कम पैसा मिलता था तथा अंग्रेज अधिकारी दुष्ट और भ्रष्ट थे, वे भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून पास करके भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की थी। लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून पास करके जो भारतीय सैनिक थे अगर भारत में रहेंगे तो गड़बड़ करेंगे भाई, तो इन्होंने क्या किया लॉर्ड कैनिंग ने, कि भाई इन्हें समुद्र पार भेज दो। रखा एक कानून पास करके भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की, किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने। रखा है, सैनिकों की जो कारतूस दिए जाते थे उनमें किसकी? सुअर की और गाय की जो चर्बी थी, गाय की चर्बी लगी होती थी, है ना, ये कारण हो जाता है। फिर भारतीय सैनिकों ने समझा कि अंग्रेज अपने धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। इस प्रकार क्रांति का श्री गणेश हुआ, 1857 की क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो एक कारण हमारा ये हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हमने देख लिया 4। अब हम देखेंगे यहां पर 5। पांचवा कारण देखते हैं, भारतीय राष्ट्र क्रांति, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के उदय का कारण एक और कौन सा था? तो वह हो जाता है सरकारी नौकरियों में भेदभाव की नीति, क्योंकि सरकारी जो नौकरी थी अंग्रेज जो निकालते थे उनमें भी क्या होता था? भेदभाव होता था। जैसे कि अगर तुम इंडियन हो तो आपको नहीं लिया जाएगा, अगर अंग्रेज हैं तो उन्हें ले लिया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, भारतीय अंग्रेजों से कहीं सभ्य संस्कृति, सुशिक्षित देश प्रेमी, वरिष्ठ प्रतिभा संपन्न तथा अनुभवी थे, इतना होने पर भी भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित रखा जाता था। वे बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी थी उन्होंने भी, मगर फिर भी उन्हें जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे, मतलब प्रशासनिक पदों से
वंचित रखा जाता था, फिर रेखा है उनके साथ भेदभाव तथा पक्षपात किया जाता था, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, इस कारण देश में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इसी प्रकार से राष्ट्रीयता का यहाँ पर जन्म हुआ, तो हेडिंग हमारी हो जाती है 5, भारतीय नौकरियों में सरकारी नौकरियों में भेदभाव की नीति। ठीक है, एक हेडिंग हमारी ये हो जाती है। अब हम देखते हैं हेडिंग नंबर 6 के लिए। हेडिंग नंबर 6 देखिएगा, यहां देखा है प्रशासकीय सेवाओं तथा भाषा संबंधी एकता। जो प्रशासकीय सेवाएं हो जाती हैं तथा भाषा संबंधी एकता की यहां पर बात हो रही है। फिर देखा है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी माध्यम की, देखो अंग्रेजों ने, क्योंकि हिंदी बोलते थे इंडिया, और वो कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने को देना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। फिर देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को ही प्रशासनिक सेवा में लिया जाता था। बिल्कुल सही है, जो अंग्रेज शिक्षित है उन्हीं को लिया जाता था। परंतु जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, जब भारत जो थे भारतीय उन्होंने अंग्रेज शिक्षा को ग्रहण करना जब शुरू किया तो उनकी आंखें, अंग्रेजों की आंखें खुलेंगी भी तो बहुत यहाँ पर भर्ती होने लगे। फिर क्या उन्होंने विभिन्न प्रदेशों के भारतीयों से मैत्री तथा बंधुत्व का एकता के संबंध में स्थापित करना शुरू कर दिया। फिर क्या अब हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान हुआ। जब इंग्लिश सीखने लगे सभी लोग तो एक दूसरे की भाषा समझने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे की बातें इधर उधर जाने लगी। इससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। इससे भी क्या होगी, जो हमारे खिलाफ जो उल्टी सीधी बातें हो रही है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश को लूट रहे ये लोग, एक दूसरे में जानकारी हुई और फिर आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। बात करते हैं अब देखते हैं 7वीं हेडिंग के लिए। 7वीं हेडिंग क्या करिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पुणे की सर्वोच्च सभा, कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन आदि संस्थाओं की स्थापना के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एक धरातल मिल गया। आगे चलकर इससे आंदोलन का काफी बल मिला। इससे चलकर आंदोलन को क्या मिला था, बहुत ही बल मिला था। ये होते हैं कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, जो पहले कांग्रेस से पहले के संगठन की बात कर रहे हैं यहां पर। जो कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी 18 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे पहले जो संगठन है, भाई कह रहा है पूर्व मतलब पहले पूर्ववर्ती संगठन, उससे पहले कौन कौन संगठन आए थे। पहला आया था देखो यहां पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आया था जो भारत के फेवर में था, और मद्रास जो नेटिव था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये भी भारत के फेवर में था, और पुणे की सार्वजनिक सभा जो हुई थी वो भी भारत के फेवर में हुई थी, और कलकत्ता की इंडियन एसोसिएशन जो थी ये भी भारत के फेवर में थी। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या दिया था, आंदोलन को काफी बल दिया था। ठीक है, मगर ये नहीं हो पाए थे एक प्रकार से कामयाब, मगर ये हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है, एक कार्ड ये भी था। आगे बढ़ते हैं, 8वां कार्ड कौन सा हो जाता है, वो होता है अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण कार्य। जो अंग्रेजों के अंग्रेज जो भेदभाव करते थे, ये भी एक कार्ड था कि अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण कार्य। बात करते हैं, अंग्रेज भारतीयों को सदा वफादार कुत्ता समझते थे, वे भारतीयों के साथ क्या करते थे, अशिष्टता का व्यवहार करते थे। भाई अशिष्टता या कह सकते हैं दुर्व्यवहार करते थे अपने, सॉरी उनके नहीं उनके होगा उनके उनके अंग्रेज सॉरी अनेक होगा अनेक ठीक है उनके नहीं होगा अनेक होगा यहां पर अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से गाली गलौच में पेश आते थे। वे पढ़े लिखे भारतीयों को भी अपमानित करते करने से नहीं चूकते थे, अपने अलावा न्यायिक मामलों में भी पक्षपात करते, जो न्यायिक मामले थे उनमें पक्षपात करते थे, और भारतीय यूरोपीय क्लबों में नहीं जा भारतीय यूरोपीय जो क्लबों में नहीं जा सकते थे, जो क्लब थे उन्हें भारतीय नहीं जा सकते थे, तथा उनको भारतीय रेलों के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने का भी मतलब आज्ञा नहीं थी। इधर देखा है, इससे देश में अंग्रेजों के प्रति घृणा के बीज जमने लगे और भारतीय कांग्रेस से सजग हो गए। जो भारतीय कांग्रेस से सजग हो गए, ठीक है, भारतीय जो थे वो कांग्रेस से क्या हो गए, सजग हो गए। ठीक है, कांग्रेस उन्हीं की हेल्प करती थी पहले। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे पूरा की पूरा
कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कांग्रेस थी क्या और उन्हें क्यों यहां पर ब्रिटिश सरकार की, एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार की ओर हुए थे, क्यों हुए थे और क्यों उससे फिर अलग हो गए थे, वो सारा की सारा देखने वाली है, ठीक है। तो बात करते हैं भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखना, जो भारतीय थे उनको उच्च पदों से अलग रखना एक ये भी आंदोलन का कारण था। तो बात करते हैं 1833 में एक अधिनियम आया था कि अधिनियम में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा, जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें क्या किया जाएगा, प्रवेश जो होगा वो योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा, किसी भी भारतीय को धर्म, जन संस्थान, वंश और वर्ग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, व्यवहार में इस नीति का पालन करने के स्थान पर भंग ही किया गया, क्या कर दिया गया, इसे भंग ही किया गया। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी फिर उन लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं किया। एक हेडिंग हमारी बोल जाती है। अब बात करते हैं हेडिंग नंबर 10, देखा है विदेशी आंदोलनों का स्वास्थ्य प्रभाव, जो विदेशी आंदोलन थे उसका स्वास्थ्य प्रभाव यहां पर कैसा था, इसको हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस के तृतीय स्वतंत्रता की स्थापना तथा इंग्लैंड में सुरक्षा कानूनों का पारित होना आदि संगठन आदि घटनाओं ने भारतीयों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। इन आंदोलनों में भारतीयों को दृढ़ता प्रदान की, क्योंकि भाई और भी देश यहां पर क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हम भी लड़ना चाहिए भाई। रखा है विदेशी आंदोलनों का स्वास्थ्य प्रभाव, विदेशी आंदोलनों का भी हमारे देश पर प्रभाव पड़ा कि हम भी आंदोलन चलाएं, जैसे कि इटली है, जर्मनी है, रोमेनिया है, सर्बिया है, इनने भी क्या हुए थे, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। तो भारतीयों की भी आंखें खुली महीद रखा है कि भारतीयों के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला, इन आंदोलनों ने भारतीयों को दृढ़ता प्रदान की और उन्हें अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो यहां पर आपके भाई 10 हो जाते हैं। आगे दे रखा है नहीं दे रखा है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे है क्या, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, नहीं है भाई, ठीक है, आगे नहीं है, तो इतना ही थे, 10 हो जाते हैं अपने, ठीक है भाई। यहां पर कितने 10 कारण हमने देख लिए, 10 कारण, ठीक है, 10 कारण में से, 10 कारणों में से आपको 5 या 6, आप 6 कर लीजिएगा, ठीक है, मिनिमम 6 समझ लो, ठीक है, मिनिमम कितना समझ लो, 6 कारण आपको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करना है, 200 से 250 शब्दों में आपसे पूछेगा तो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। अच्छे प्रकार से मैंने समझा दिया, एक एक को डिटेल में समझाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। और भाई आपको क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या आप कहाँ जा सकते हो, www.paperhacker.in पर जाओगे वेबसाइट पर हमारी, तो वहां पर भी आपको एक बटन मिलेगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करना चाहो तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो नोट्स का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।